भाई हमने खुद चुना इंडिया को मैच, इंडिया वालों यार आप हमारे भाई हो, आपका मैच है बस आप ले जाओ, हमें चाहिए नहीं ऐसा फजूल मैच, हम खेलते ही नहीं है यार आपको पता है, हम ऐसे बड़े मैच खेलते हैं, हम जो है सिर्फ फाइनल वगैरह खेलते थे, हम ये सुपर फोर शो और के कोई मैच नहीं खेलते थे, ये आपका मैच है आप ले जाओ इजी हो गया। तो पाकिस्तान जो है 128 पे खत्म हो गया है, और इंडिया भाई और इंडिया वालों आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे छोटे मोटे मैचेस हम वैसे नहीं खेलते, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको फाइनल में देखेंगे क्योंकि फाइनल में जो है पाकिस्तान नहीं छोड़ता होता। और सबसे पहले तो भाई व्लॉग का शुरुआत पे राजू भाई क्रिकेट खेलने आए हैं, और कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का रिजर्व डे का मैच है वो भी पूरा होना है, और एहसन भाई हमारे खेल रहे हैं यूसुफ भाई को दो चौके मारी खड़े अभी तक। खैर यार हमें टारगेट है 47 का 6 ओवर्स के अंदर, और कितने ओवर हो गए हैं? 2 ओवर हो गए हैं। भाई ने 10 बोले खेली हैं, 2 स्कोर बनाए हैं, 47 चाहिए हमें, 6 ओवर्स में 47 चाहिए। अभी भी लड़ रहे हैं कि लास्ट बॉल है, 4 बॉलों से ये कह रहे हैं कि लास्ट बॉल है। ये हमारे एहसन भाई बात भाई जिनसे फील्डिंग ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, बॉल पकड़ा बिठेरा पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, फील्डिंग करो। एहसन भाई क्या कर रहे हैं? वो शॉट तेरा 6 The next morning. Yeah, we are finally back. और यूनिवर्सिटी आपका भाई गया नहीं था, अभी फिलहाल 4:30 हो रहा है, पाकिस्तान का मैच जो रिज्यूम हो चुका है, तो अभी जो है ना कुट्टी पहाड़ी है, मैं जो है ना आज भी तो फिलहाल अंदर चल के जो है ना मैच वगैरह देखते हैं, और दुआ करते हैं कि यार पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो कुछ आउट करें यार, गेम के अंदर वापस आए ताकि जो है मैच देखने का मजा भी आए। अबे यार ये तो सही मारी पड़े यार। तो यार केएल राहुल ने जो है ना अपनी 50 कर ली, और ये वो बंदा है नसीम शाह ने 2 बार आउट किया हुआ है, जिसको शाहीन अफरीदी ने 1 बार आउट किया हुआ है, लेकिन इस बार जो ना ये लड़ गया है और 50 का ही खड़ा है, और ये एक और चौका लग गया है, और कोहली भी जो ना क्रीज पे खड़ा हुआ है, ये भी बेल के ही जाएगा। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। छक्का पड़ गया भाई, भाई बस यही पाकिस्तान को बचा सकता है, अल्लाह करे बारिश हो जाए। कोहली की भी जो ना हाफ सेंचुरी हो गई है, और उसने भी सही पहला। तो यार 40 ओवर हो चुके हैं, और इंडिया का जो स्कोर है वो 251 है, और वहीं 2 आउट है जो कि हमने कल किए थे, और अब या तो पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग बचा सकती है, फिर बारिश भी बचा सकती है, बारिश अगर हो जाती है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, और पाकिस्तान जो है क्वालिफाई हो जाएगा फाइनल्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच का जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान को ही जीतना पड़ेगा, अगर नहीं जीतता तो फिर बारिश हो जाए तो ही बेहतर है, लेकिन देखते हैं यार 40 ओवर हो गए हैं, 251 रन्स हैं, 2 आउट हैं वहीं पुराने वाले जो कि कल हुए थे, तो कोहली और केएल राहुल की भी समझ नहीं आई किस तरह से यार वो बंदा मार रहा है, 3 बार उसको जो है ना हमारे नसीम और शाहीन ने आउट कर दिया, लेकिन फिर भी जो है ना वो इस बार पहली खड़ा है, तो होप करते हैं कि आखिर 10 ओवर्स के अंदर जो है ना 2-3 आउट हो जाएंगे, स्कोर वगैरह रुक जाएगा, और 300 से नीचे तक जो है ना हम रोक लेंगे, और बैटिंग में कुछ ना कुछ कर लेंगे। मस्त जोक मारा है, क्या किया इन्होंने, इतना अच्छा आउट होता था ये, उसको पता ही नहीं बॉल कहाँ गिरी है, मैच जो है ना इसी तरह से मारेंगे फील्डिंग की वजह से, चौका नहीं फील्डर है। आखिरी 10 ओवर हैं, पीछे नसीम के 3 ओवर पड़े हैं, शाहीन के 2 ओवर पड़े हैं, और हारिस के 5 ओवर पड़े हैं, लेकिन इफ्तिखार को ओवर देने की क्या तुक बनती है मुझे ये समझ नहीं आ रही, उठा कर छक्का मारा कोहली ने इफ्तिखार को, और पीछे 8 ओवर पड़े हैं जबकि, लेकिन फिर भी पेसर को लगा नहीं रहा वो। तो यार 45 ओवर्स में 300 रन पड़ गए, और वहीं के वहीं 2 आउट रुके हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि यार किस तरह की कैप्टेंसी हो रही है, फील्डर्स जो है वो आखिरी 10 ओवर में फील्डर्स जो है वो सर्कल के अंदर खड़े किए हुए हैं, बस माशाल्लाह क्या कैप्टेंसी है बाबर आजम की, पीछे कोई है ही नहीं थर्ड मैन पे, बॉल जो निकल रही है गैप से चौके के लिए जा रही है, एक 98 पे और एक 97 पे है भाई। कोहली के 12,999 रन हो गए, कोहली की 97 भी हो गई है, तो चौका नहीं सेंचुरी तो नहीं हुई, लेकिन उसके 13,000 रन पूरे हो गए हैं भाई, कोहली की सेंचुरी हो गई है यार। तो पाकिस्तान को जो है ना 50 ओवर्स के अंदर 357 का टारगेट है, और भाई बहुत ही मुश्किल टारगेट है, मुझे तो लग रहा है हम हार गए हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं, उसके बाद जो है फिर देखेंगे यार, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से हार गया, 357 बनाना
वो भी इंडिया के अगेंस्ट, प्रेशर गेम होती है, कोई और टीम होती है तो फिर समझ आती है, लेकिन इंडिया के साथ जो ना प्रेशर ज्यादा होता है। तो फिर इमाम उल हक खेलो, बाबर गया 10 पे, कंपेयर करते हैं लोग कोहली के साथ, कोहली कहाँ बाबर कहाँ है, 10 रन पे बोल्ड हो गया। तो यार बाबर आजम का काम तमाम हो गया, हार्दिक पांड्या ने जो है बाबर को बोल्ड कर दिया और मैच जो है पहले भी पता था हार ही गया, लेकिन अब फाइट भी नहीं लग रही कि फाइट भी करेंगे। आई साहब फाइनली बारिश हो गई, या अल्लाह तूने दुआ सुन ली। तो यार बारिश शुरू हो चुकी है और अल्लाह करे बारिश ना रुके और एक एक पॉइंट भी दोनों टीम्स को, अल्लाह करे ऐसे ही हो कि एक एक पॉइंट देके कहें भाई मैच ही खत्म करो। फिलहाल बारिश हो रही है वहाँ पे और पहली बार जो है ना मैं इस मैच में दुआ करूँ कि बारिश ना रुके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है बहुत बुरे हैं। 44 पे 2 आउट हैं, अभी भी 8 की रिक्वायर रेट है, पीछे कोई 40 ओवर्स हैं, यानी 40 ओवर्स में हमें जो है ना 8 की रिक्वायर्ड से रन्स करने हैं और जो कि बहुत मुश्किल है। A few moments later. तो यार मैच फिर से शुरू हो चुका है, रिजवान भी आउट हो गया है। लगता है कि आज भाई किस्मत ही खराब है, जब पाकिस्तान मैच जीत रहा था तब बारिश नहीं रुक रही थी और अब जब पाकिस्तान मैच आ रहा था बारिश रुक गई है। अल्लाह करे फाइनल में फिर से मुकाबला इंडिया पाकिस्तान को, और एक बार फिर से जो है ना इस बार हम बदला लेंगे पक्का वाला, इस बार पक्के वाला बदला लेंगे भाई। अच्छा और 48-3 आउट हो गया, मैच हार रहे हैं हम, बारिश करा दो। तो यार कुलदीप यादव ने जो है ना फखर जमान को भी आउट कर दिया है, तो तीसरी बार जो है ना फखर जमान कुलदीप यादव या तो आउट हुआ, ये देखो बोल्ड हुआ यार, क्या कहूँ मैं यार। तो भाई अभी अपडेट ये है कि सलमान लियागा भी जो है आउट हो गया, शदाब खान जो है अगला बैट्समैन है, तो 5 आउट हो गए हैं। मैच जो है ना आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है, आज से 25 ओवर हो गए, 100 भी नहीं बना हुआ इनका। कुलदीप यादव शदाब भी खत्म भाई, पाकिस्तान की जो टीम थी ना वो फाइट तक नहीं कर रही, 110 पे 6 आउट भाई साहब। चाचा भी गया, ये देखो सीधा उसके हाथ में कैच दिया, मतलब कोई फाइट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहे भाई, वो विकेट दे ही जा रहे हैं भाई तुम लोग जीत जाओ भाई। हमने खुद जो है ना इंडिया को मैच दिया, इंडिया वालों यार आप हमारे भाई हो, आपका मैच है बस आप ले जाओ, हमें चाहिए नहीं ऐसा फजूल मैच, हम खेलते ही नहीं है यार, आपको पता है हम ऐसे बड़े मैचेस खेलते हैं, हम जो है सिर्फ फाइनल वगैरह खेलते थे, हम ये सुपर फोर शॉट के कोई मैचेस नहीं खेलते थे, ये आपका मैच है आप ले जाओ इजी होके। तो यार मैच खत्म हो चुके हैं और इंडिया ने जो है पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है, यानी इतनी बड़ी जीत, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भाई पाकिस्तान के जो 8 आउट हुए थे ना, नसीम शाह बैटिंग करने आया ना हारिस रऊफ बैटिंग करने आया, हारिस रऊफ तो समझ आती है कि इंजर्ड था, लेकिन नसीम शाह की मैं समझ नहीं आ रही कि वो पता नहीं कब इंजर्ड हुआ है, वो बैटिंग करने नहीं आया, और मैंने जो टीवी वगैरह बंद कर दिया और जो है ना यहाँ पे मैच देख रहा हूँ साथ साथ में, जो है काम वगैरह भी कर रहा था मैं। तो पाकिस्तान जो है 128 पे ख़त्म हो गया है, और इंडिया भाई और इंडिया वालों आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे छोटे मोटे मैचेस हम वैसे नहीं खेलते, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको फाइनल में देखेंगे क्योंकि फाइनल में जो है पाकिस्तान नहीं छोड़ता होता, बात तो सही है। शुरू में पाकिस्तान दाना डालता है और जब फाइनल आता है तो फाइनल में जो है ना पाकिस्तान पिंज देता है, तो भाई फाइनल में जो है ना आप लोगों को देखेंगे, अभी जो हमारा मूड नहीं था जीतने का, तो बस फिर आपको मुबारक हो बहुत बहुत, तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़। And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. 'Cause it's a big pill.